शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है। वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है, पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने IGMC पहुँचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पुलिस कहती है कि उसका ट्रेस आउट हो गया है, 43 सेक्टर में देखा गया है। और SHO साहब से मैंने ऐसे ही फिजिकली थोड़ी सी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने जब फुटेज देखी तो वो मर्डर करने के बाद विकास नगर गया, वहाँ से उसने कैब की, फिर बाद में वो बस में गया, ऐसी ऐसी बात उन्होंने कही SHO साहब ने। तो उसके बाद क्या है कि भाई हमने अपनी टीम उनके पीछे लगाई है। तो मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से इतना है कि बंदा मर्डर करने वाला, आपको पता है, सब मीडिया बंधु को सबको पता, वर्ल्ड को, सब वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन सबको पता है कि रिकॉर्ड रूम और वेकेंट वे का डिस्टेंस कितना है। मोद रोड का तकरीबन होगा 40-50 फुट, वहाँ से मेरा बेटा आता है रिपोर्टिंग देता है, उनको पूरा वो देता है कि भाई मुझे पुलिस ने मेरे बेटे को लाया, IGMC लाया और इलाज कर। क्या पुलिस के उतने जवान थे कि जो मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं? और पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है। तो वो बंदा अभी तक ट्रेस आउट हुआ है, वो पहुँच गया है 43 सेक्टर चंडीगढ़। तो आप अब मीडिया वाले आप ही बताइए कि मैं इसके बाद क्या स्टेटमेंट करूँ। आपके बेटे का नाम क्या? मेरे बेटे का नाम मनीष है, और वहाँ ये हिमांशु वेक एंड वेक कैफे हिमाचल रसोई का ओनर है, उनके पास काम करता था, और उसको तकरीबन 12-14 महीने हो गए थे। ठीक है जी, एज उसकी 20 साल थी, 2003 का वर्ष था उसका, 10/12/2003 जी। बहुत ही होनहार बेटा था, कोई नशा पानी नहीं करता था, किसी लड़की, एक ही बेटा था, दो बेटियाँ हैं, दो अम्मियाँ भी है। ठीक है जी, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार था। आज मेरे घर का चिराग बुझ गया है। ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ना पॉलिटिकल पुश है, ना हमारे पास पैसा है, हम क्या करेंगे? अब हम सरकार से, सभी संगठनों से यही गुजारिश करते हैं कि मेरा बेटा तो मर गया, मारा गया, वो भी ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ पे वर्ल्ड के लोग आते घूमते फिरते हैं, है ना जी। और खुद उसने अपने आप को बताया कि मेरा मर्डर हुआ, जस्ट बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। पुलिस उसी टाइम उसको पकड़ सकती है? नहीं, पुलिस ने नहीं पकड़ा।